तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। जैसे कि आपने पेज देखा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी कैसे क्लियर किया जाए। आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी लगभग 4-5 साल बाद दोबारा आएगी, है नहीं, और इसके बाद कब आएगी पता नहीं। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है ये आपके लिए, और इसे आप फाइनल अटेम्प्ट ही बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कहना बहुत आसान है, जितना कहना आसान है उतना ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देते हैं तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होती, बस आपके पास सपना होता है करना है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक सपना और एक जुनून। सपने बहुत लोग देखते हैं, सबके पूरे नहीं होते, पर जो सपने के साथ जुनून को ऐड कर देता है वो एक्चुअली सफल होता जा करके। पर ये जितनी कहावती यानी जितनी एक फ्रिक्वेंट लग रहा है ना, वो उतना होता नहीं। कैसे करें, सबसे बड़ी बात है कैसे करें। तो इस सिक्वेंस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो आप नेगेटिव फील ना करें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो ना, ऐसा कुछ मत सोचें। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप जुनून से चल रहे हैं, ठीक है। और जब जुनून और सपना दोनों साथ में होता है तो भाई साहब हर चीज़ पॉसिबल लगती है। तो पहला चीज़ जो आपके दिमाग में माइंडसेट नेगेटिव जा रहा है कि एग्ज़ाम डिले होगा, दूर जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भर्ती होगी, ये दिमाग से निकालो, पॉजिटिव जाओ, ठीक। पहला, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तब आप आओ स्ट्रेटजी पे कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, आपको पता है कि बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़े एग्ज़ाम बिना प्लान, बिना स्ट्रेटजी के क्वालिफाई नहीं होते, ये आप भी जानते, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं। आप यदि ऐसे ही मैदान में उतर जाएंगे तो मारे जाएंगे, कोई दोहरा नहीं, फिर दूसरा अटेम्प्ट आपको देना पड़ेगा 5 साल बाद। यदि आप पहली बार में ये करना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से चलिएगा। बेस्ट स्ट्रेटजी है, बहुत लोगों ने बताई है, ठीक है, मगर मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। स्ट्रेटजी हमेशा 3 फेज में बनाइए। पहली फेज में थोड़ी सी लिबरल रखिए, और फिर उसी लिबरल को थोड़ा सा टाइट करिए, और फास्ट में लास्ट में हार्ड कोर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा समस्या होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हर एक सिलेबस को बहुत डीप तरीके से देखना है, ठीक है, और उसके सिलेबस को जाकर के नोटिस से पढ़ना है नहीं, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए मैं बैठा हुआ, वो भी मैं अभी बात करूँगा। तो एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल करिए, टॉपिक लिखिए, और टॉपिक लिख करके फिर उसको एनालाइज करिए, ठीक। और स्टार्टिंग में अभी, जैसे अभी मैं बोलूँ, आज 19 तारीख है, तो अभी यहाँ से भी आपके पास 60 दिन है यदि 20 जून तक मैं जाऊँगा, क्योंकि अभी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान बनाइए, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रखी है, ठीक है, उसको फॉलो करिए, उसके हिसाब से चलिए। दूसरी चीज़ होती है, स्ट्रेटजी तो बन गई, सारी चीज़ें हो गई, गाइडलाइंस, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करें, किसके अनुसार चलें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपको यूट्यूब पे लाखों लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं कि भाई साहब मैंने देखा है कि UPSI के यानी नाम पे, UPSI स्पेशल के नाम पे लोग आपको चूना लगा रहे हैं, लूसेंट छाप छाप के दे दे रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा इधर उधर से मटेरियल छाप छाप के आपको दे दे रहे हैं, भाई साहब ये पढ़ के आओ, यही पेपर में आएगा। मैंने अभी हिंदी के टेस्ट निकाले करवाए, पॉलिटी के टेस्ट निकाले करवाए, इकोनॉमिक्स के करवाए। जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो कहा सर बहुत टफ है, बहुत टफ है, इतना टफ तो पेपर पूछा है। वो लोगों ने पेपर जाकर के एनालाइज ही नहीं किया। आप उस लेवल का पॉलिटी, उस लेवल का मूल विधि और उस लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो पेपर में पूछा ही नहीं जाता। इस चीज़ को कवर करने के लिए हमने एक बैच बहुत पहले वर्दी बैच निकाला था, और उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जो आपके सामने आ रहा है आप उसको देखिए। यदि आपका मन हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको पॉलिटी का कोई टेंशन नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मूल विधि में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इकोनॉमिक्स में भी आप छोड़ के नहीं आएंगे यदि आपने अंडरस्टैंड अच्छे किया, रट्टा नहीं मारा तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ टॉपिक है। अभी जो मैंने बैच अभी कंप्लीट किया तो मैंने अच्छे से एनालाइज किया, बच्चों में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। जो बच्चे 40-30% स्कोर कर रहे थे वो बैच खत्म होते होते 80 पे आए। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि 100% कहना झूठ बोलना बेवकूफ़ी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है।
इकोनॉमिक्स की जब मैं इकोनॉमिक्स उनको मैंने पढ़ाया तो उन्होंने ये सजेशन दिया, जब लास्ट में मैंने सजेशन मांगा तो उन्होंने कहा कि सर आप यदि इकोनॉमिक्स से जो लेक्चर दे रहे तो वो तो ठीक था, जितनी देर पढ़े तो उतनी देर याद हो रहा था, पर आप यदि इकोनॉमिक्स के लेक्चर साथ यदि आप क्वेश्चंस करवाते हैं और क्वेश्चन के साथ पैटर्न समझा देते हैं, आपकी क्वेश्चन से थ्योरी समझा देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता। तो इस बार हमने इस कोर्स में यही चीज़ इंक्लूड की है कि पहले आपको हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर मूल विधि पढ़ाएंगे, पॉलिटी के नोट्स विद पीडीएफ बेहतरीन, भाई साहब ऐसी पीडीएफ की मजा आ जाएगी, मूल विधि की पीडीएफ बेहतरीन, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में करवाऊंगा। लगभग टारगेट है 250 क्वेश्चन इस बैच में करवाने का मेरा प्लान है इकोनॉमिक्स के, ठीक है, और विद फंडामेंटल्स जो होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान एकदम नीट एंड क्लियर होंगे, आप उसको फॉलो करिए। आप मेरे 550-600 वीडियो पढ़े हुए, जा करके आप वीडियोज़ को थोड़ा देखिए, सर्च मारिए जा करके कि मैं क्या फंबल तो नहीं मार रहा हूँ, है कि कितनी जन कितना मैं जेन्युइन हूँ, तो आप जाकर भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, लोगों ने अच्छे रिव्यू भी दिए हैं, सपोर्ट किया है, और बैच मैंने आज कम्युनिटी में टैग किया था और सुबह से ही कॉल मैसेज आने शुरू हो गए, एडमिशन होने शुरू हो गए हैं। फिर मैं कहूँगा आप देर मत करिएगा, नहीं पिछली बार की तरह फिर मैं ऑफ कर दूँगा, फिर मुझसे मत कहिएगा, ठीक है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ होती है बुक, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, कौन सी बुक हमें चुननी चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, बुक कौन सी चुननी चाहिए। आज UPSI का मटेरियल बहुत है भाई साहब, PDF के फॉर्म में, वर्चुअल है, हार्ड कॉपी, बहुत मटेरियल है और बच्चा सब पढ़ रहा है। तो आपको ही पता है इस महासागर में क्वालिफाई, क्योंकि लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, लाखों में से 1000 लड़के सेलेक्ट होने, 10000 लगे 9500 सेलेक्ट होने, तो आप में ऐसा कौन सा क्वालिटी है, या फिर आपने ऐसी कौन सी बुक पढ़ी, या फिर आप में ऐसा कौन सा सिटेबल मटेरियल पढ़ा है कि आपका क्वालिफाई होने पाए और जो और 9 लाख बच्चे हैं उनका क्वालिफाई ना होने पाए, ऐसा क्या है, ठीक है। इसी को सोच करके मैंने अपने चैनल यानी जो अपने कोर्स को मैंने थोड़ा डिज़ाइन किया कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन भाई साहब मिस नहीं होगा, विद कॉन्सेप्ट, कुछ भी ऊपर नहीं, विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आप पहला इंट्रोडक्शन ही लोगे ना तो भाई साहब आपको मजा आ जाएगा, धुआंधार एकदम मजेदार, ठीक है। बाकी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बुक्स पे, ठीक है। उसमें भी हम लोग देखेंगे मैथ्स की बुक, GS की बुक, रीजनिंग की बुक, और क्या बोलते हैं कि और पॉलिटी कहाँ से, मूल विधि कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ें। बाकी अब यदि हमारा बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी के नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, मूल विधि के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आप उतना ही पढ़ लेंगे तो भाई साहब उतना ही सफिशियंट, इतनी अंडरस्टैंडिंग मैं बनवा दूंगा कि आप क्वेश्चन भले ही नोट्स से ना आया हो मगर आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे, क्योंकि भाई साहब लॉजिक जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देते हैं तो भाई साहब आप खेल अलग ही लेवल का होता है। सही स्ट्रेटजी, सही प्लान से ही आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आप चाहे इधर उधर कहीं पर भी भड़बड़ाते रहे, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड जितने लोग अभी मैं कह रहा हूँ, हज़ारों लोगों ने हज़ारों रुपये का कोर्स खरीदा है, पर वो एक छोटा सा बबल है कि मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन करवा करके आपका टाइम बढ़िया से बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। लंबी लंबी लाइव क्लासेस लेकर के आपका खूब समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे जा करके, जिस दिन पेपर आपके सामने खुलेगा, आपकी आंखें खुलेंगी और आपके पास कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। वहीं से आप डाइंड हो जाएंगे और दोबारा वैकेंसी के लिए शायद आप एलिजिबल भी ना हो। तो ऐसा ना हो, संयम, सुरक्षा और दिमाग, तीनों से ही भाई साहब एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, ऐसे क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट गाइडेंस से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हैं उनसे पूछिए जा करके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए नंबर पे आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। बाकी सारी इंक्वायरी मैंने दे दी इस वीडियो में।